ब्यूटीफुल पीपल, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। भाई सीधी सीधी बात है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि भाई कोई इंसान ना जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करता है ना, तो उसको तंग करने के लिए ना 100 लोग पहले ही बैठे होते हैं, और फिर जब वो तंग करता है तो लोग बोलते हैं कि भाई ये तो गलत बन रहा है। ठीक है, एम ए भी उनमें से एक बन। मेरे लिए सारी उम्र जो टॉपिक पे बात हो रही है, जो डिस हो रहा है भाई यार, ये कॉन्सेप्ट ये जो भी चल रहा है भाई, इस चीज़ के अंदर एम ई वे, मैं कहता हूँ आँखें बंद करके ना मैं एम ई वे के भरोसे पे चल सकता हूँ। भाई देखो किंग, मेरे पास ना 3 किस्म की ऑडियंस है, सिर्फ किंग, यंगस्टर्स और के आर डॉलर साइन, ये तीनों मेरे मोशन हैं, और मैं इनसे मतलब मैं इनके लिए ना बायस हूँ मेरे, ठीक है ना। लेकिन गाने की हद, ठीक है ना, अब गलत और सच जो होता है ना वो कभी छुपता नहीं, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। किंग को मैं कभी हिप हॉप आर्टिस्ट वैसे ही मानता नहीं था, ठीक है, और किंग के गाने मुझे बहुत पसंद है, मैं पागलों की तरह सुनता हूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किंग मेरे लिए बहुत ऊपर की चीज़ है, लेकिन एम ए वे जो चीज़ कर रहा है अब मुझे नहीं समझ आती यार, इस चीज़ में हर बंदा एम ए वे को ही क्यों गलत बोलता है भाई, हर चीज़ में एम ए वे ही गलत तुम लोगों को नज़र आता है, ऐसा क्यों है मेरे को ना बिल्कुल समझ नहीं आती, कोई लेंथ ही नहीं बनती कोई आगे से ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कोई एक बंदा बोल रहा था तो आप कहते हो यार ये क्या बकवास कर रहा है, इसको ना क्या ही मैं जवाब हूँ, ये वो नहीं सीन लेकर आ जाते हैं जो एम ए वे के साथ करते हैं। भाई सिंपल सी ऑनेस्टली, खट्टी मीठी जो मर्जी करके बात है तुम्हें हजम होती है, हो जाए नहीं होती ना हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हमेशा लेबल से बड़ा होता है, लेबल पे आर्टिस्ट मेजोरिटी जब जाता है, जब उसको अपना घर चलाना हो इस लिहाज से कि घर भी चले और उसके गाने उस वक्त ना चल रहे हो इतने ज़्यादा, तो ज़्यादातर तो कोशिश लोग करते हैं या उसको पुश चाहिए होता है, तो इसलिए लेबल के पास चला जाता है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट का ये है कि भाई मैं खुद करूँगा, और ये बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, और बहुत कम लोग कर पाते हैं, बट हाँ जो लोग कर पाते हैं वो अपना नाम बना लेते हैं बड़ा बड़ा। मैं सिर्फ 2-3 आर्टिस्ट का नाम लूँगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़े हैं, इसमें वायस बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है, एम ई वे, और एक आर्टिस्ट है सिद्धू मूसेवाला जो इस दुनिया में नहीं रहे। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका एक अलग ही क्रेज़ है, अलग ही एक स्टारडम है, और भी होंगे, मैं 3 का नाम ले रहा हूँ, उसका तो ये नहीं कि मैं हेट करूँ। भाई इसमें कोई शक नहीं है कि लेबल पे होने के बाद आपको साइन जो चीज़ें करनी पड़ जाती हैं चंद पैसों के लिए, बल्कि वो पैसे आपको देते हैं, घमंड देते हैं, एटीट्यूड देते हैं कि भाई पैसा आने शुरू हो गया, और आप पे हदें लग जाती हैं। बात ये नहीं है कि ये किंग ये लेबल पे है या वो है, देखा जाए तो किंग भी इस तरह इंडिपेंडेंट ही आया, उसको कोई किसी ने सपोर्ट तो किया नहीं इस तरह, और अगर सपोर्ट किया भी है तो अपने बलबूते पे, भाई सपोर्ट करने के बाद भी बंदा बनता अपने बलबूते पे, सपोर्ट से कुछ नहीं होता कि मैं खुद बन जाऊँगा, उसने अच्छी चीज़ें दी इसलिए वो बन गया। अब वो लेबल के साथ साइन हो गया क्या नहीं हुआ, भाई जब आपको पता है कि हिप हॉप के अंदर हमारे यहाँ पे इस तरह होता है, और मेरे हमारे क्या सारे हिप हॉप में इस तरह ही होता है कि भाई आपको बात करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली जब इंडिपेंडेंसी का ऐसा नाम ये बन जाए, क्योंकि इसके पीछे कृष्णा और एम ए वे का हमने इतना बड़ा बीफ देखा हुआ है, बाद में कृष्णा ने ये बात कर दी कि तुम अकेले हो रिप्रेजेंट करने वाले, वो एक एक्सक्यूज़ बन गया कृष्णा का, और उसने टैकल कर दिया जो भी था उसका फलाना ढिमकाना, बट बात बहुत देख के करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इंडिया या पाकिस्तान या इंडिया एशिया के अंदर नहीं बनते भाई, बहुत मुश्किल होता है, और इतनी लानी पड़ती है ना या रगड़नी पड़ती है कि जिसकी वो हाथ नहीं, ठीक हो गया। आप उठ के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठकर आप ये बोलेंगे, और आपको पता है कि आप जब ये बात करेंगे, मैंने कभी नहीं एम ए वे को देखा कि किसी भी आर्टिस्ट के बारे में इवन बीफ भी होया हो या कुछ भी होया हो कि उसको ये बोल रहा हो कि वो अच्छा नहीं, वो कहता है ये अच्छे हैं पर मैं उनसे एक कदम ऊपर, तो ये चीज़ होती है हेल्दी कॉम्पिटिशन। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये लोगों का घमंड, जो ये बात बोली है ना कि इन्हें किसी घमंड है या ये लोगों ने ऐसी नहीं ब्रो, जिन्होंने इंडिपेंडेंट चीज़ें अकेले की हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, और आपने भी शायद की हैं, तो आप ये चीज़ ना समझने के चक्कर में इसको ऐसा घुमाए ना, आई डोंट नो उस तरह कैसे उसने ये बात कर दी। गाना जब शुरू होता है थोड़ा सा हाँ तुम लोगों को नज़र आ जाएगा कि मैटर्स क्या था, फैमिली मैटर्स और वो कैंड्रिक और ये ट्रेक का जो चल रहा था वो वाइब तुम लोगों को प्योर नज़र आ रही है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, इवन अभी भी ट्रेंडिंग पे है दोनों गाने, तो लोगों ने कहीं ना कहीं सुन लिए होंगे।
लिरिक्स मजे के हैं, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एल ट्रैक है, ये ट्रैक है, वो ट्रैक है, भाई कुछ हल नहीं है, बात ये तेरी समझ में नहीं आया। सिंपल सी उसने बात बोली है, एम वी के अंदर एक चीज़ अच्छी है, आप जो मर्जी बोले उसको बीफ की वजह से बना या ये बना या मटन की वजह से बना या चिकन की वजह से बना, भाई बात ये है उसके बाद उसकी कोई ऐसी हरकत नहीं मुझे नजर आई कि मैं उसके ऊपर उंगली उठा पाऊँ। सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया उस पर बार बार कोई ना कोई हिट करता है जब वो आगे आगे बढ़ कर स्टेप करता है। लोग कुछ लोग ये सोचेंगे कि जी कनेक्शन कट रहा, प्रो एम के साथ कनेक्शन, लोग एम के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बैठे हुए हैं, एम से कनेक्शन काटने के लिए बैठे हुए, तो मुझे कहीं नहीं लगता कि एम को इससे कोई डिसएडवांटेज होगा कि एम का कुछ होगा नहीं, वो लेबल चला रहा है प्रो। और मैं समझता हूँ पूरे इंडो पार्क के अंदर सिर्फ एक ही लेबल है जो ग्रो कर रहा है, उसके अलावा कोई ऐसा लेबल नहीं है जो पैसा लगाए बगैर ग्रो हो रहा हो इस मैार की तरह से। कलमकार खाली का खाली पड़ा हुआ है, कृष्णा सिर्फ उसको चला रहा हो, कृष्णा कैसे चला रहा था जिसने एम ने चलाया, यही मैटर करता है। बातें ना भी बहुत अजीब और गरीब खुल जाती हैं, बंदा ऑकवर्ड हो जाता है बोलते हुए भी। तो जिस तरह से विजुअली दिखाया गया बीट एम ने जिस तरह वो चेस किंग को मार रहा है और ये चीज़ें कर रहा है, सारी की सारी एक तरीका था, मोटिवेशन है उन लोगों के लिए। देखो यार यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो आप उनको बार पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा वो कहते हैं कि आप अपने गाना बनाएं, वो गाना आगे डाल और आपको खजल खुआरी ना करनी पड़े। अगर आपको खजल खुआरी नहीं करनी पड़ रही और स्टिल आप अपनी मेहनत पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपका मेयार है, वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसमें कोई गुरूर या ईगो नहीं आ जाता। ये बहुत रेयर लोगों के साथ होता है जो ऊपर वाला नवाज, ठीक है ना। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि लेबल पर साइन होना बुरी चीज़ है, भाई जाहिर बात है ज़िंदगी चलानी है, प्रोसेस एक चलाना है सिस्टम घर का बिल्कुल बुरी, बट ये बोलना कि इन लोगों ने इंडिपेंडेंट लोगों ने हवा फैलाई हुई है या ये वो, सिद्धू ने जिन्ने भी लोग सुनते हैं ना ब्रो, वो सारे दे सारे जानते हैं कि सिद्धू एक ही गल सी कि इंडिपेंडेंट कल्ला मकल्ला मैं, एक मैं एक ही हूँ, मैं अकेला ही एक पूरी टीम लेके चल रहा हूँ। तो एम वे मैं ये नहीं कहता कि एम वे सिद्धू है, बट एम वे उसने पूरा लेबल खड़ा कर दिया ब्रो, वो ऐसे ऐसे गाने देता है, ऐसी वर्सटैलिटी दे रहा है तुम लोगों को जिसकी वो हद नहीं। और भाई जब चाहे वो गाना फेंक दे ब्रो, जब उठ के वो गाना फेंक दे, किसी के साइन नहीं, किसी के तलवे चाड़ने नहीं पड़ रहे, मैटर ये चीज़ें करती हैं। तुम ये समझ रहे हो ये बात को, जो लोग यार बायस को सुनते हैं वो ये भाई बायस के जितने फैंस हैं वो सबसे बड़े घमंडी है कि मैंने खुद किया, वो सारी क्यों रैपर बाबर ये बोलता रहता है अपने मुंह से कि भाई मैंने खुद किया, मैंने खुद किया, मैंने खुद किया, क्योंकि ब्रो उसको खुद करते हुए मुश्किल का सामना हुआ है, इसलिए उसने जब उसने क्लेम कर ली एक चीज़ वो हासिल कर ली, फिर वो अपने आप को ताज खुद ही बनाता है कि हाँ भाई मैं कर बैठा। और ये बहुत मुश्किल होता है, ये जो बातें होती हैं कि लेबल पे होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हाँ बुरी चीज़ नहीं है, बट ये एटीट्यूड है या ये है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए किंग को, किंग ना तो हिप हॉप आर्टिस्ट है और ना तो उस पर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके गाने वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, ग्रेटेस्ट गाने होते हैं, हिट मेकर है वो पूरा मुर्शिद है, उसके वोकल मैं लोलो पोपो वाले गाने नहीं सुनता, से भी आए उसके गाने वाकई में इम्पैक्टफुल होते हैं। बट आप गुफ्तगू करें और मुझे इतना खूबसूरत लगा जहाँ पे अभी मैंने सुन जानू या सुन कुछ ऐसा करके सुन बाबू ये रफ्तार का जो एक बन गया हुआ है डायलॉग टाइप सा, इसमें क्योंकि रफ्तार हर बंदे को बता रहा होता है, खैर हम रफ्तार की बात नहीं करें, वो एक अलग टॉपिक है। बात सिर्फ सिंपल सी की है कि ये ट्रैक सिंपली ईजिली विन है, मैं इसके अंदर अगर कुछ भी ना देखूँ ना तो लॉजिकली भी ये वैसी विन है, ठीक है ना। व्यूअरशिप उसको उस तरह ना मिले शायद, बट देखो ब्रो कभी कभी ना व्यूअरशिप हर जगह पे ना हर चीज़ का अलग अलग मैार होता है, लॉजिक कहाँ पे बन रही है बात वो है, और वो एम वे बना रहा है, इजीली बना रहा है, इसमें कोई दूसरी तीसरी बात पैदा ही नहीं होती, ठीक है ना भाई। तो हाँ मैं तो आऊँगा किसी अगले वीडियो पे, कोई क्या बोलता है घंटा फर्क नहीं पड़ता ब्रो, बात साफ सुथरी कि भाई एम वे कर रहा है, भाई एम वे कर रहा है, जो आर्टिस्ट को 10 साल लग जाएंगे एक लेवल पर लगे हुए वो खुद कर रहा है ब्रो। तो ये चीज़ एक्साइटमेंट देती है एज ए व्यूअर, एज ए किसी को दिल का कोई रैपर होगा कोई कुछ होगा, ये एक मज़ा देता है। तुमने एम सी स्टैन को देखा, एम सी स्टैन क्या था ब्रो, उसके पास कपड़े और ये आप 70,000 की 80,000 घर जाएगा, ये वो पैसा नहीं होता, वो सिर्फ एक होता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया जिसके पीछे ये लोग जाते थे, मैंने उसको अचीव कर लिया, तो ये मैटर बहुत ज़्यादा करता। तो हाँ ब्रो सिंपल नीट एंड क्लीन, एम वे इजीली में वाह भाई अंग्रेजी बोलती।
खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे भाई। और सीधा सीधा बोल दिया आपने, लेबल पे होना अलग चीज़ है, मजबूरी होती है एक तरह से, और मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना ठीक है, लेकिन मजबूरी उसकी भी होती है जो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन फासले दो अलग अलग पकड़ते हैं, तो मैटर करती है ये चीज़ें, ठीक है ना। यस कुमार।